Hey, it's science. Welcome to today's class of Divine Public School. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसे आइडेंटिफाई कर चुके थे. अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल. इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में जनरली डिफरेंस क्या होता है. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल के अंदर नंबर 1 जो आती है वो होती है फिजिकल स्टेट. सो हम कंपैरिजन भी करेंगे मेटल के साथ और नॉन मेटल्स को भी पढ़ेंगे. जो नॉन मेटल्स होती है वो सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैसियस फॉर्म में भी होती है. लेकिन जो हमारी मेटल्स थी वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होती है, एक एक्सेप्शन मरकरी के अलावा. सो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैसे? तो हम लोग जानते हैं जो सल्फर और फॉस्फोरस है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, जो कि एक नॉन मेटल है. ओके, वहीं ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और वो पाई जाती है लिक्विड स्टेट में. वहीं हम बात करें गैसियस पार्ट की तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल एलिमेंट्स, ये पाए जाते हैं गैसियस स्टेट में. सल्फर, फॉस्फोरस सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में पाई जाती है. तो नॉन मेटल की पहली है फिजिकल स्टेट. ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है. सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूँगा. सेकंड प्रॉपर्टी होती है कलर. जहाँ मेटल्स सिल्वर ग्रे, ग्रे कलर की या अलग ही लस्टर रखती थी, नॉन मेटल्स पाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट कलर में. फॉर एग्जांपल सल्फर एक नॉन मेटल है और उसका कलर होता है येलो. इसी तरह से फॉस्फोरस अलग अलग कलर्स में मिलता है, जैसे कि वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस. और इसी तरह ब्रोमीन जो है, इसको ब्रोमाइन भी कहते हैं, ब्रोमीन जो है वो है रेडिश ब्राउन. इसी तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस. सो अगर मैं मेटल के कंपेरिजन में बात करूँ तो मेटल का फिक्स होता है कलर सिल्वर ग्रे, सिल्वर पोर्शन ज़्यादा, ग्रे पोर्शन कम, ग्रे पोर्शन ज़्यादा, सिल्वर पोर्शन कम, या दोनों के दोनों पोर्शन इक्वलिटी में. जनरली मेटल्स को सिल्वर ग्रे में अपन डिनोट कर सकते हैं. लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो अलग अलग कलर्स की होती है. चार एग्जाम्पल्स तो आपके सामने ही है. थर्ड जो है वो है मेलिएबिलिटी और डक्टेलेबिलिटी. सबसे पहले बात करेंगे अपन मेलिएबिलिटी की. नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होती, ना तो उनको वायर्स के अंदर ड्रॉ किया जा सकता है, ना उनको पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. अगर उनको अपन पीटेंगे तो वह चद्दर की तरह फैलने के बजाय टुकड़ों में टूट जाएगी. तो नॉन मेलिएबिलिटी पाई जाती है नॉन मेटल्स में, वो बिल्कुल भी मेलिएबल नहीं होती, बिल्कुल भी डक्टिलिटी शो नहीं करती. तो ये प्रॉपर्टी भी डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में का, कि इस तरह की कोई चीज़ नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती. कंडक्टिविटी की बात करेंगे अपन.
जहाँ मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट होने देती है, उनमें करंट आता है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक वर्ड बताना भूल गया, अगर किसी चीज़ को पीटने पर वो चद्दर की तरह फैल जाए तो उसे कहा जाता है मेलिएबल, लेकिन अगर वो टुकड़ों में टूट जाए तो उसे कहा जाता है ब्रिटल। सो हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। नॉन मेटल्स ना तो हीट को कंडक्ट करती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, लेकिन इनके अंदर एक एक्सेप्शन होता है, ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और ये गर्म भी हो सकता है। सो जनरली नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करती, एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो कार्बन का एक फॉर्म है, वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हमने मेटल्स के अंदर पढ़ा था, क्या होता है इसका मतलब पता है क्या आपको? मैं बता सकता हूँ पर मैं चाहता हूँ कि आप पिछला वीडियो देखें। सहने की क्षमता नॉन मेटल्स के अंदर बहुत कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है? लो होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स कैन ईजिली बी ब्रोकन, नॉन मेटल्स को आसानी से तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सोनोरिटी। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के पास एक खास आवाज़ होती है, उसको जो पीटने पर और नीचे गिराने पर आती है। हम बहुत सी बार तो आवाज़ सुन के ही मालूम कर लेते हैं क्या चीज़ नीचे गिरी होगी अगर वो मेटल की बनी हुई है तो। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है ये सोनोरिटी कहलाती है, मेटल्स में सोनोरिटी पाई जाती है। बट नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट एन ऑब्जेक्ट, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होती है। अब आप कार्बन को पीटोगे, कोयले को, तो क्या उसमें से कोई आवाज़ आएगी? नहीं। सो नॉन मेटल्स होती है नॉन सोनोरस, दैट्स इट।